हेलो यूट्यूब, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेलर ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं यूनिक लिस्ट के लिए कि किसी डेटा में से आप यूनिक लिस्ट कैसे निकालेंगे। तो चलिए बताते हैं, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह से और वीडियो की अपडेट चाहिए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं, और हम यहाँ पे एक एक्सेल फाइल जो है खोल रहे हैं, और मेरे पास जो ऑफिस का एक्सेल ऑफिस का वर्जन है, एक्सेल ऑफिस 365 है, लेटेस्ट वर्जन है। जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ वर्जन दिख जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास लिस्ट ऑफ द नेम है, या सिंपल सा मैं एक छोटा सा लिस्ट बनाया, तो मैं कस्टम लिस्ट बना रखा है, तो मुझे बस ड्रैग करना है। तो इस लिस्ट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नेम है, एक नेम कई बार रिपीटेड है। मुझे इसकी यूनिक लिस्ट चाहिए। इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट करें डेटा मेनू बार में। पहला तरीका आता है कि इसको आप एडवांस फिल्टर में यहीं पे यूनिक रिकॉर्ड ओनली कर ले। जी, एडवांस फिल्टर में यूनिक रिकॉर्ड ओनली, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा। आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए और जहां रखना रख सकते हैं। मैंने यहां पे रखना है, मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। दूसरा है कि मैं इसको कॉपी करके किसी और जगह पे डालता हूं, और यहीं पे आता है रिमूव डुप्लीकेट। जी हाँ, डेटा मेनू बार में आता है रिमूव डुप्लीकेट, क्लिक कीजिए और इसको आप रिमूव कर लीजिए, कि आपका रिमूव हो जाएगा। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है। जी हाँ, मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं यूनिक का, यूनिक। यूनिक में हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। यहां देखिए, यूनिक लिस्ट ऑफ द नेम है, बट ए यूनिक फॉर्मूला लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 365 में। जी हाँ, ऑफिस 365 में। बट एक्सेल में कैसे होगा जी? पुराने एक्सेल में, मैं कर एक्सेल में मतलब कि पुराने जो एक्सेल हमारा, जैसे 13 हो गया, 16 हो गया, 7 हो गया, ऐसे वर्जन्स में, 10 हो गया, ऐसे वर्जन में मुझे फॉर्मूले के जरिए करना है। ये दो मेथड तो सब में आपको 7 में मिलेगा, 10, 13, 16 सब में मिलेगा, जो मैंने एडवांस फिल्टर और रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन बताया। पर ये फॉर्मूले वाला मेथड जो है आपको सब में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें लिस्टिंग का पार्ट करना पड़ता है। हम क्या करेंगे कि एक कॉलन इंसर्ट करेंगे और यहां पे एक सीरियल नंबर लिखते हैं, और यहां पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट इफ, हमने इसको B2 से B2 और B2 को सिलेक्ट किया, और नीचे की तरफ हमने इसको ड्रैग कर लिया। बट नीचे की तरफ ड्रैग करते समय छोटी सी मिस्टेक हुई कि मैं इसमें यहां पे थोड़ा सा जूम करता हूं, यहां पे मैं B2 को फ्रीज नहीं किया। मुझे B2 को फ्रीज करना चाहिए था। अब नीचे कीजिएगा तो हर नंबर को, हर नेम को एक नंबर मिल गया। जैसे अब मान लीजिए कोई फिल्टर करके नेम बताता हूं मैं आपको, जैसे अमर है, अमर पे क्लिक किया तो अमर का पूरा सिक्वेंस मिल गया। अब मुझे यहां पे क्या करना है, अगेन सेम काउंट इफ लगाना है हमें। काउंट इफ B2 से B2 कॉमा B2, सेम काउंट इफ, और फिर इसको हमें F4 से फ्रीज करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे यहां पे डैश का लगाना पड़ेगा। आगे अब मुझे यहां सीरियल नंबर, अब यहां पे मुझे सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि यहां पे 1 देना पड़ेगा मैनुअली। फिर यहां कहूंगा कि इफ इसमें +1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन होता है काउंट इफ, इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला इसको 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 यहाँ पे सीरियल नंबर को 1, देन
ब्लैंक, अदरवाइज इसमें प्लस वन कर दिया। और मुझे नीचे ड्रैग करना है इसको, लेकिन मुझे यहाँ पे इफ एरर लगाना पड़ेगा, इफ एरर, और यहाँ पे हमने ब्लैंक। ये जो किया इसे क्या हुआ कि जितना बार यहाँ पे नेम है ये सारा यूनिक लिस्ट जो है नंबर क्रिएट होगा, जितना नेम है। जी हाँ, 12 नेम है तो 12 क्रिएट हुआ, 12 के बाद वो ब्लैंक हो गया। अब यहां पे हमें लगाना है वी लुकअप का फॉर्मूला, इसके साथ हम डैश, अगेन हमने वन को सेलेक्ट किया हुआ है, और फिर हमने यहां से लिया और तीसरे नंबर को लिया 3,0। और नीचे ड्रैग करने से पहले मुझे यहां पे इफ एरर लगाना होगा, एरर और यहां पे ब्लैंक, ताकि नीचे जो ब्लैंक आया है उसमें ब्लैंक ना है, एरर ना है, ब्लैंक दिखे। नेम, अब कोई नया नाम जोड़ता हूं, जैसे मैं यहां पे एक नया नाम डाल दिया अनुराग, अनुराग आ गया, अब 13 हो गया। तो ये था हमारा यूनिक लिस्ट कैसे यूज करते हैं इसका। अब ये फाइल, ये फॉर्मूला जो है आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, अगर आप हमारे क्लासेस में होते हो तो ये फाइल भी आपको मिल जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल, वीवीएम, माइक्रो प्रोग्रामिंग, पावर बीआई, कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट, ऑटोमेशन, डैशबोर्ड एंड गूगल सीट वगैरह की, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट iptindia.com है, जहां पे आके डेमो क्लास का फॉर्म भरे, एक दो क्लास डेमो ले, अच्छा लगे तो क्लासेस को ज्वाइन करें। जी हाँ, लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन क्लास होती है, एक बैच में एक दो बच्चे ही होते हैं, हम इंटरेक्टिव क्लासेस होती है जिसमें आपने सारे डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रीज्वाइनिंग फ्री होता है, टेलीफोनिक सपोर्ट होता है, कभी भी मुझे कॉल करके, नंबर नोट कर लीजिए, कभी भी कॉल करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अगर कॉल ना लगे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हमारा कॉल का हमेशा इंतजार करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर, वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।